तो हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप सब। और आज इस वीडियो के अंदर आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करने वाले एक स्टडी एप्लीकेशन का AIFL के बारे में, जो कि बहुत ही प्रोफेशनल एप्लीकेशन है। तो बात करेंगे कैसे आपको ये एप्लीकेशन का AIFL मिल सकता है, कैसे आप इसको एडिट कर सकते हैं एंड कैसे आप इस एप्लीकेशन से क्या कुछ कर सकते हैं। तो वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ कि अगर आपने हमारे यूट्यूब चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सिंपल वीडियो के नीचे आपको लाल कलर का सब्सक्राइब बटन मिल रहा होगा, इसे प्रेस करके अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ ही बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा ताकि आपको हमारे आगे आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती है। तो चलिए, तो फिर हमारा आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो आज के वीडियो में जो हम एप्लीकेशन के बारे में बात करेंगे, उसका AIFL तो सबसे पहले कुडलर पे बना हुआ है, तो हम उसे ओपन कर लेते हैं एंड टेस्ट एप्लीकेशन भी हम देख लेते हैं। टेस्ट एप्लीकेशन का जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन पर मिल जाएगा, फिर भी मैं आपको दिखा देता हूँ कैसे क्या कुछ है इस एप्लीकेशन में। तो एप्लीकेशन को जैसे आप ओपन करते हैं, सबसे पहले तो आपको ऐसा स्प्लैश स्क्रीन मिल जाएगा, उसके बाद मिल जाएगा आपका साइनअप पेज एंड लॉगिन का पेज। साइनअप भी बहुत ही प्रोफेशनल बनाया गया है, देख सकते हैं पासवर्ड वगैरह सब कुछ चेक होता है एंड फ़ोन नंबर के बाद भी आपको एक OTP आता है रजिस्टर के लिए। साइनअप पर भी आता है, मैं आपको अभी मतलब लॉगिन पर भी आता है, लॉगिन करके दिखाता हूँ कि मेरा अकाउंट है पहले से। ये डाल दिया मैं ईमेल और आपको 8 करेक्टर्स का मिनिमम पासवर्ड डालना है इसमें, तो डाल के मैं अभी करता हूँ इस पर लॉग इन। आपको नीचे डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगा आसानी से आपसे टॉप में लिंक, देख सकते हैं ऑटोमेटिक डिटेक्ट हो गया हमारा जो OTP आया था, ऑटोमेटिक डिटेक्ट हो गया। ठीक है, ये देख सकते हैं ऐसा कुछ OTP आता है, OTP ऑटोमेटिक डिटेक्ट हो गया एंड ये ऐप का होम स्क्रीन आप देख सकते हैं बहुत ही प्रोफेशनली बनाया गया है। साथ ही इसमें जो साइड बार यूज है वो भी बहुत ही प्रोफेशनल बनाया गया है, देख सकते हैं ऊपर मेरा प्रोफाइल का शो कर रहा है और नीचे सारे ऑप्शन यहाँ पे है। तो सबसे पहले हम एक एक फीचर्स को यहाँ से बात करें तो नीचे देख सकते हैं आप एक स्क्रॉलिंग टेक्स्ट है, उसके बाद होम स्क्रीन पे मतलब सारे सब्जेक्ट्स है एंड आस्क डाउट्स का ऑप्शन है। सबसे पहले हम आस्क डाउट्स का देख लेते हैं क्योंकि बाकी सब सब्जेक्ट ही है। यहाँ पर बस सिंपली आपको एक आप जो भी आपका क्वेश्चन है उसका आप एक इमेज लेके अपलोड करना होता है तो आपको रेस्पॉन्स आएगा बाद में वो क्वेश्चन सॉल्व करके, ऐसा कुछ सिस्टम इसमें लगाया गया है। उसके बाद आपको अदर सब्जेक्ट्स का ऑप्शन मिलता है, जैसे आप इस पर क्लिक करते हैं तो देख सकते कैसा कूल सा एनिमेशन आता है एंड आपको और 3 सब्जेक्ट्स का यहाँ पे दिख जाता है। तो हम फिर से देख लेते हैं, जैसे मैं क्लिक करता हूँ देख सकते हैं एनिमेशन से आ जाता है, कोई भी सब्जेक्ट पे मैं क्लिक कर सकता हूँ तो उस सब्जेक्ट का पेज ओपन हो जाएगा और होम स्क्रीन से भी आप कोई भी सब्जेक्ट को चूज़ कर सकते हैं। तो जैसे कि मैं अगर इंग्लिश को चूज़ करता हूँ, देख सकते हैं इंग्लिश को मैंने किया चूज़, उसके बाद आपको और भी 6 ऑप्शंस मिल जाते हैं। देख सकते हैं लाइव क्लासेस का ऑप्शन है, वीडियोस का ऑप्शन है, नोट्स का, प्रैक्टिस एग्जाम का, क्वेश्चन पेपर्स का एंड बुक्स का, इतने सारे ऑप्शन आपको मिल जाते हैं। ऊपर आपको कुछ इन्फॉर्मेशन शो कर रहा है, बैक का बटन है। तो सबसे पहले हम लाइव क्लासेस का देख लेते हैं, अभी कोई लाइव क्लास चल नहीं रहा है तो दिस सर्विस इज़ अनेबल। वैसे अब इसमें गूगल मीट का या फिर जूम का जिसका भी लाइव क्लासेस होगा आप उसका लिंक इस पे डाल सकते हैं। उसके बाद हम देख लेते हैं वीडियोस का ऑप्शन, वीडियोस पे जैसे ही मैं क्लिक करता हूँ तो वीडियोस अभी लोड होंगे। वैसे इसका जो डाटाबेस है वो एयरटेबल पर बनाया गया है तो वो भी मैं आपको दिखाऊंगा थोड़ी देर में। तो ये देख सकते हैं वीडियोज़ का सारा ऑप्शन एंड कोई भी वीडियो पर अगर मैं क्लिक करता हूँ तो वो यूट्यूब से वीडियो लोड होता है बेसिकली, तो यूट्यूब पर जाके प्ले हो जाएगा। तो अभी मैं इसके लिए वेट शायद नहीं करना चाहिए, हाँ वीडियो तो लोड हो जाएगा कोई बात नहीं। तो देख सकते हैं एक एक करके सारे वीडियोस का यहाँ पर लिस्ट है, किसी पे भी आप क्लिक करके प्ले कर सकते हैं। उसके बाद आपको नोट्स का ऑप्शन मिल जाता है, नोट्स पे अगर आप क्लिक करते हैं तो देख सकते हैं इस एप्लीकेशन में मतलब और क्या चाहिए, मतलब सारे प्रीमियम एप्लीकेशन का फीचर इसमें डाला हुआ है। आपको मतलब नोट्स देखने के लिए आपको प्रीमियम में जाना होगा एंड अपग्रेड का पैसा आप लगा सकते हैं। पेमेंट गेटवे भी इसमें इनबिल्ट है, जैसे मैं पेमेंट पे क्लिक करता हूँ देख सकते हैं पेमेंट गेटवे पे ये मुझे रिडायरेक्ट कर देगा, 1,500 रुपये का पेमेंट गेटवे इस पर लगा हुआ है। आप कोई भी पेमेंट गेटवे यूज़ कर सकते हैं, आपके लिए देख सकते हैं ये आगे हमारा पेमेंट गेटवे। तो फिलहाल अभी मैं इसका पेमेंट नहीं करने वाला हूँ। उसके बाद आपको प्रैक्टिस एग्ज़ाम का ऑप्शन मिल जाएगा, प्रैक्टिस एग्ज़ाम भी शायद अभी अपलोडेड नहीं है, हाँ देख सकते हैं अभी कोई एग्ज़ाम नहीं चल रहा है। उसके बाद आपको क्वेश्चन पेपर्स का ऑप्शन मिल जाता है एंड बुक का ऑप्शन मिल जाता है। बुक पर भी जैसे आप क्लिक करते हैं तो जो भी आपका बुक है वो देख सकते हैं गूगल ड्राइव का आपका बुक जो है लोड हो जाएगा। तो इसको भी हम करते हैं क्लोज, इसकी भी हमें अभी ज़रूरत नहीं है। फिर से हम देख लेते हैं एप्लीकेशन को, स्लैश स्क्रीन बहुत बढ़िया और होम स्क्रीन भी आप देख सकते हैं। मतलब और क्या चाहिए, मतलब इस एप्लीकेशन का UI ही इतना मस्त बनाया गया है
तो और मतलब चाहिए क्या। तो अभी बात कर लेते हैं इस एप्लीकेशन का AFL के बारे में। तो AFL में देख सकते हैं आप, ये मेरे एडिटर पे ओपन है। इसमें आपको ये सब स्क्रीन्स मिल जाते हैं, सारे स्क्रीन्स आपको मिल जाएंगे, आप कुछ भी जाकर एडिट कर सकते हैं। और डाटाबेस जैसे कि मैंने बताया था आपको, फायरबेस एंड एयरटेबल यूज है, एयरटेबल का कंपोनेंट भी आपको मिल जाएगा, देख सकते हैं मैं आपको दिखा देता हूँ। हाँ देख सकते हैं, एयरटेबल का कंपोनेंट आपको मिल जाता है। आप इस पर अपना पे एस आई डी एन ए पे की डाल के अपना एप्लीकेशन बना सकते हैं। साथ ही में इसमें आपको कुछ एक्सटेंशन भी इंपॉर्टेंट मिल जाता है, देख सकते हैं 1000 रुपये का एक्सटेंशन, जैसे कि अभी मैंने आपको बताया था वीडियो प्लेयर का, ग्रेडियंट का। बहुत ही मस्त यू आई है, मतलब यू आई इसका एप्लीकेशन का सबसे बड़ा खासियत है। तो सारा कुछ ऑप्शन आपको मिल जाएगा, कोई भी हेल्प चाहिए तो आपको मिल जाएगा। और इस एप्लीकेशन का अगर डाटाबेस की बात कर लेते तो ये देख सकते हैं एयरटेबल पे डाटाबेस बनाया गया है। तो कोई भी चीज़ आप यहाँ से एडिट कर सकते हैं एयरटेबल से, देख सकते हैं ऐसा कुछ आपको मिल जाएगा सब कुछ। उसके बाद यूज़र्स का भी आपको ऐसा मिल जाएगा सब, मतलब सारा कुछ इन्फॉर्मेशन। आपको पता है एयरटेबल का एप्लीकेशन भी आता है, बहुत ही मस्त चलता है वो। तो आप एयरटेबल से आसानी से अपने एप्लीकेशन को जो है डायनामिकली कंट्रोल कर सकते हैं। तो अभी हम बात कर लेते हैं इस एप्लीकेशन का AFL आपको कैसे मिलेगा। तो सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि इस एप्लीकेशन का देख सकते हैं आप कितना सारा एक्सटेंशन यूज़ है एंड कितना सारा काम किया गया है। तो मतलब ये जो एप्लीकेशन है ये आपको पेड मिलने वाला है AFL, लेकिन उसकी कोई चिंता नहीं है, बहुत ही आपको चीप में मिलने वाला है, क्योंकि देख सकते हैं इतना सारा ब्लॉक्स यूज़ है सिर्फ एक ही स्क्रीन में। तो फ्री में तो नहीं दे सकते ना, मतलब बहुत मेहनत लगती है भाई। तो देख सकते हैं कितना सारा ब्लॉक्स यूज्ड है एक ही स्क्रीन पे, मतलब सारे स्क्रीन्स पे ऐसे काम हुआ है। तो अभी हम अगर इसके एप्लीकेशन का प्राइस की बात करते हैं तो 200 और 300 में मैं आपको इस एप्लीकेशन का जो भी AFL है वो दे दूंगा डिस्क्रिप्शन पे। आपको करंट प्राइस एंड कैसे परचेस करना है, मतलब व्हाट्सएप का ही लिंक मिल जाएगा, बेसिकली व्हाट्सएप पे कॉन्टेक्ट करके आप इसको परचेस कर सकते हैं। उसके बाद आपको ये जो एप्लीकेशन है इसका सोर्स कोड मतलब AFL मिल जाएगा, साथ में इसका एयरटेबल का ये जो स्ट्रक्चर है मतलब वर्क स्पेस है इसका भी लिंक मिल जाएगा। साथ में आपको इसको सेटअप करने के लिए जो जो भी इंफॉर्मेशन चाहिए होगा वो सब भी आपको प्रोवाइड करवा दिया जाएगा। तो बेसिकली आज के वीडियो के लिए बस इतना ही था। होप दैट कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो के डिस्क्रिप्शन पर आपको टेस्ट एप्लीकेशन का लिंक मिल गया होगा, उसे आप टेस्ट कर सकते हैं। अच्छा लगा तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन पर कॉन्टैक्ट करके आप उससे बाय कर सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही था। होप दैट कि आपको वीडियो अच्छा लगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में।